नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों आज हम बनाएंगे चटनी। जो चटनी हम चाट के लिए इस्तेमाल करते हैं आज हम वो बनाएंगे, लेकिन इसको हम इमली से नहीं बनाएंगे। जनरली लोग इमली से ही चाट वाली चटनी बनाते हैं, लेकिन अगर आपने इससे चटनी बना ली तो आपके चाट का मज़ा दो गुना हो जाएगा। और कोई भी चाट वाले जो होते हैं वो इमली की चटनी ज़्यादा नहीं बनाते हैं, वो इसी से चटनी बनाते हैं जो कि इतना स्वादिष्ट होता है और उनके चाट में चार चांद लग जाता है। तो मैं भी उसी की चटनी बनाई हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाया है और ये इतना स्वादिष्ट बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपके पास इमली नहीं है तो कम से कम ये चीज़ें तो आपके घर में रहती हैं जिससे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस चीज़ से बनाया है और ये कितना स्वादिष्ट बना है। आइए चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए देखिए, ये हमने आम ले लिया है। आम जो हमने इसको कच्चे आम को सुखा के रखा था, इसका पाउडर भी हमने बना के रखा है जिसकी वीडियो हमने अपलोड की है। मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उसको हमने ओवरनाइट भिगो दिया था। और अब हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें हम ये भीगी हुई खटाई को डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और एक अच्छा सा इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास ये खटाई ना हो तो अमचूर पाउडर को भी आप पानी के साथ पहले भिगो दीजिए 2 घंटे, उसके बाद बना लीजिए। तो देखिए ये पेस्ट तैयार हो गया है। और अब हमने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे। कोई तेल कोई कुछ नहीं डालना है, तड़का भी नहीं लगाना है, सिर्फ आप इसको ऐसे ही डाल दीजिए और उसके बाद पानी इसमें डाल दीजिए। जितना आपका आम का खटाई हो या भिगोया हुआ हो उसी के हिसाब से डालिए, क्योंकि ये थोड़ी अच्छे से ये पकती है टाइम लेके, तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा। तो इसमें पानी इसमें आप इतना डालें कि ये जो है बहुत अच्छे से पक जाए, थोड़ा धीरे धीरे ये पकेगा। तो अब हमने इसमें डाल दिया चीनी। तो हमने 1 कटोरी चीनी डाली है अपने आम के अनुसार। आप अपने जिस हिसाब से क्वांटिटी से बना रहे हों उस हिसाब से डाल दें, क्योंकि इसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है तो चीनी इसमें ठीक ठाक लगती है। और अब इसी तरह से हम इसको अच्छे से पकाएंगे खूब। तो देखिए हमारी चटनी उबल रही है और इसी तरह से हम इसको अब छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये खूब अच्छी तरह से उबल के और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आप इसको लंबे समय तक सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करें, और जब आपको इस्तेमाल करना हो उसको करीब आधे घंटे पहले निकाल के बाहर रख दीजिए, और उसके बाद जब ये पिघल जाए तो आप इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका 2-3 महीने आराम से चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा मात्रा में बना के इसी तरह से स्टोर कर लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।